तो इसको अभी जो है हमें हेडलाइट पे हेडलाइट खोल के फिक्स करना है। फाइनली हैंड गार्ड भी हमने लगा लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बाइक का हालत जो है अभी बहुत ही ख़राब है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है फ्लैशर का सर्किट। ठीक है, तो ये अभी बाहर में, इसका ऊपर एक कवर भी रहता है लेकिन वो कवर जो है लूज़ होने के कारण गिर गया रास्ते पे। तो इसको अभी जो है हमें हेडलाइट पे हेडलाइट खोल के फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद ही बाइक को हम वॉश करा सकते हैं, तो इसमें अगर पानी जाएगा तो हेडलाइट शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए बाइक को अभी धो नहीं पा रहे। तो चलेंगे अभी एक दुकान पर, इसको फिक्स करेंगे हेडलाइट पे, देखते अगर होगा तो, क्योंकि हेडलाइट पे बहुत ही कम जगह रहता है आप लोगों को पता होगा, तो अगर फिक्स हो पाता है सही है, इसको सेलो टेप वगैरह लगा के अंदर फिक्स कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो ये जो है इसको बाहर पे ही कुछ जुगाड़ करेंगे। तो जो भी होगा आप लोग देखना ब्लॉग पर। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो इसको अभी अंदर घुसा दिए हैं हेडलाइट में, इसलिए अभी बाइक वॉश किया जा रहा है, तो इसमें रहता तो फिर पानी वगैरह उसमें चला जाता। काफ़ी टाइम बाद बाइक अपना धुल रहा है, नीचे का कंडीशन देख सकते हो आप लोग। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा हाईवे से। यहाँ पे थोड़ा रुकना है, कैश थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा कैश लेते हैं। चलो कैश तो उठा लिया है, सीधा चलते शोरूम की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज गाइस, बहुत ही तगड़ा गर्मी आज। बहुत तेज़ गर्मी है, ऐसा गर्मी में तो बाप रे बाप। बाइक चलाने पर जो है इतना गर्मी नहीं लगता है, हवा आता है, लेकिन जैसे ही बाइक रोकता हूँ कहीं पे तो हालत पूरा ख़राब हो जाता है, कोई नहीं जाते। काफ़ी दिन से सोच रहा था हैंडगार्ड लगाने का, बट नहीं लगा पा रहा था। आज फाइनली चलते हैं, और मैं सोचा था ऑनलाइन ऑर्डर करूँ। पिछले वाला जो था मेरा लगाया हुआ था वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, तो उसमें क्वालिटी तो एकदम बकवासी था, और कलर भी उसका पीछे पे भी मतलब अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं था। जो शोरूम पे मैंने देखा था तो वो मुझे सही लगा था, लेकिन शोरूम पे तब दो पीस अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक ही पीस था, इसलिए नहीं लिया था। तो आज मैंने कॉल करके पूछा, दोनों पीस आ चुका है वहाँ पर, तभी जाते देखते क्या प्राइस। प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है शोरूम पर, ये आप लोगों को पता होगा, GST वगैरह लगा करके ना ज़्यादा प्राइस हो जाता है ऑनलाइन मार्केट से, लेकिन क्वालिटी अच्छा रहता है शोरूम पे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं शोरूम से ही लगाता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं जो है ऑनलाइन से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। हमारे इधर का रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो यहाँ पे नहीं आए वो बाइकर अगर आएंगे उनको बहुत दिक्कत होगा ऐसे रास्ते में चलाने के लिए। 40, 50, 60 के एवरेज पर जाना पड़ेगा। हम लोगों को रास्ता पता है, मालूम है, तो हम लोग थोड़ा कभी कभी खींच देते हैं। अलग रहता, देखो रोड का कंडीशन देखो गाइस, आप लोग रोड का पता नहीं कब ये सही होगा, दूसरे जगह की तरह हमारे यहाँ का रोड भी बढ़ेगा। ये बाइक पे हैंडगार्ड लगा हुआ रहने से बाइक का एक अलग ही लुक रहता है। ठीक है, और तब पब्लिक रिएक्शंस भी जो है ज़्यादा मिलता है। हैंडगार्ड नहीं रहता तो ये थोड़ा सा मतलब उतना लोगों के नज़र में नहीं पड़ता है। तो हैंडगार्ड लगाएंगे, उसके बाद कुछ पब्लिक रिएक्शंस वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे वो सीरीज़। ऐसे में आसपास घूमता रहता तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आता है अच्छे अच्छे, लेकिन वो हर वक्त मैं जो है अपना GoPro माउंट नहीं करता हूँ, तो इसलिए वो शूट नहीं हो पाता है। ये जो पेट्रोल पंप आप लोग देख रहे हो गाइस राइट साइड पे, तो यहाँ पे मैंने काम किया था, टाइल्स वगैरह लगाया था एक टाइम पर, मुझे याद है वो दिन। और बाइक का चेन भी मैंने काफ़ी टाइम से लूप नहीं किया है, तो स्प्रे मैंने अपना साथ ले लिया है, अभी शोरूम पे चल के लूपिंग भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी कोशिश तो यही है कि वीक पे 2-3 ब्लॉग कम से कम अपलोड करूं, कभी व्यूज़ वगैरह देखने से काम नहीं चलेगा, अभी सिर्फ अपना कंटेंट पे ध्यान देना होगा, और वीक पे 2-3 ब्लॉग तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना दिन से अपना बाइक नहीं था साथ पे, तो ज़्यादा ब्लॉग में डाल नहीं पाया, लंबा गैप हो गया था। बट अभी बाइक वगैरह सब कुछ है, GoPro वगैरह, तो अभी तो ब्लॉग पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। मेन चीज़ है कि इधर घूमने का वैसा कोई जगह है नहीं। ठीक है, बहुत कम ही जगह है इधर, उनको थोड़ा सा दूर दूर जाना पड़ेगा। शोरूम के लिए बाईपास ले चुके हैं,
उधर ब्रिज से भी जाया जा सकता था लेकिन उधर ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा, तो ये हमने इस रास्ते पे आया। डिस्टेंस ही तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे क्लियर रहता है ये रोड, और बाकी वो रोड से जाने से जल्दी पहुँचते हैं लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं होता, और ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है किशनगंज के अंदर में। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं शोरूम पे। तो अभी फाइनली शोरूम आ चुके हैं और अभी बाइक का हैंडगार्ड लगाते हैं। आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो गाइस फाइनली हैंड गार्ड भी हमने लगा लिया है और अभी आप लोग देख सकते हो बाइक का क्या ही लुक आ रहा होगा। ठीक है, बहुत मस्त लग रहा है, अभी पूरा परफेक्ट लग रहा है। इतना दिन से ये नहीं था तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और चेन भी हमने लूप कर लिया है तो चेन भी अभी परफेक्ट है, गाड़ी भी वॉश कर लिया है। तो कैसा लग रहा है गाड़ी अपना बताना कमेंट करके। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था इसका क्वालिटी जो है बहुत मस्त रहता है शोरूम वाला, तो देख सकते हो क्वालिटी अच्छा है, और ऑनलाइन पर आप लोगे तो आपको 600-700 में हो जाएगा लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो ये जो अभी हमने लगाया 2000 रुपया खर्चा हो गया चार्ज उर्ज लेके, और ये अलग से आता है तो इसका प्राइस भी हमें पड़ गया, टोटल मिला के 2000 लग गया। और ऑनलाइन से लेता तो 600-700-800 में हो जाता लेकिन क्वालिटी भी सही नहीं है, और ये जो कलर है ना कलर भी सही से प्रिंट नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर जो है इधर आ जाता है तो वो बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। तो अभी हम निकलते हैं घर के तरफ, उससे पहले थोड़ा सा इधर घूमेंगे आसपास और उसके बाद चलेंगे घर। तो अभी शोरूम से निकल रहे हम लोग।